So good morning students. Beta, today we are going to do the MCQs from the chapters which are going to come in the second division test, right? Second division test mein hamare kaun se chapter aane hain? Lines and angles, stats and Heron's formula, right? So today we are going to do the questions from lines and angles, right? Beta, today yes, no noise. आज lines and angles से करेंगे, ठीक है ना? सब सारे चैप्टर्स में से करने हैं, करवाऊंगी बेटा. सो जो जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है ना वो स्टैट्स में है, लाइंस एंड एंगल्स में भी है. लाइंस एंड एंगल्स में बेटा देखो, लिसन लिसन लिसन, लाइंस एंड एंगल्स में ना देर आर सो मेनी, या तो तुम बोल लो या मैं बोल लेती हूँ. देर आर सो मेनी क्वेश्चन इन यूर एनसीईआरटी जो की जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? जैसे हाँ जी प्रणय मैम, कल वाला टेस्ट एक बार डिस्कस कर लो. कल वाला टेस्ट फिर कल डिस्कस करूंगी प्रणय, ठीक है? क्योंकि अभी मैं अभी फोन खोलना पड़ेगा, फिर एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा. आई विल गिव अ लुक टू दैट टेस्ट, क्वेश्चन लिख के लेकर आऊंगी, फिर सॉल्व करो. कल कल आपसे डिस्कस कर लूंगी वो टेस्ट, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके, कल वाले क्वेश्चन में बस वो assertion reason वाला जो क्वेश्चन था उसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट था, ठीक है? बट एनी हाउ आई विल डिस्कस दैट टेस्ट टुमारो. सो स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, इन लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जैसे विच आर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम, इन विच यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज, एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है ना. चलो हाँ, किया हुआ है ना तो तुम करो, बोलना नहीं है. ए रेशो बी इज 2:3, फाइंड सी. देयर सी कर रही हूं. चलिए एक्स्ट्रा दूं फिर. A ratio B, 3:3 means A is 2x, B is 3x. This is 90, so this full is also 90. It means 2x plus 3x is 5x. 5x is 90. X कितना आ गया? 18. ये फिर आ गया. 12. 18. तो बेटा ये 90 है, b कितना होगा? व्हाट इज b? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. 54 प्लस c इज 180, लीनियर पेयर. c कितना हो जाएगा? 126. Why late again? Come in. One minute. Friends, so now I'm going to show you some MCQs on your screen. Let's discuss that. Chalo. Give me the duster. See the first MCQ. In right angle triangle, कोई collective answer नहीं देगा, साहिल सुन ले. In right angle triangle, where angle A is 90, A B C हो गया, and A B is equal to A C. What? What is the angle of B? 45. This was very easy. ठीक है,
और वैसे भी बेटा अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इक्वल साइड समीक्षा कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। इन आइसोसेलेस हाइपोटेन्यूज इज नेवर इक्वल टू वन ऑफ दीज साइड्स, इट इज द ग्रेटेस्ट, फाइन। 7.4 is not in your syllabus, so 7.4 के related अगर कोई MCQ आता है या आपको कहीं भी किसी book में से, वो आपने नहीं करना, हाँ वो नहीं करना, जिसमें greater than वाला concept है ना, greater than किसमें, sides opposite to greater angle is greater, ये rule वैसे आप याद रखो, अगर आ गया तो आप फिर ऐसे नहीं कह सकते मैम syllabus में नहीं था, otherwise 7.4 पूरी exercise है नहीं तो chances नहीं है कि उसमें से आए, बट ये जो हमारा रूल है दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ये कई बार किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, सिंपल है। जो साइड बड़ी है उसके और सामने वाला एंगल बड़ा है, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी है, वाइस वर्सा, फाइन। कट गया बेटा, तुझे समझ नहीं आई लिख के, मैंने पूरी सारी बात बोल दी है कि कट गया है नहीं आएगा, बट इनकेस आ गया, ये वाला रूल कई बार हमारे यूज हो जाता है इन ऑर्डर टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन, वहां क्या बोलेगा, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, ये तो है नहीं सिलेबस में, नित्य तू बिना बस। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ट्राइंगल है, दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, गिव फोर पॉइंट सच दैट नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, देन द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू देम आर, फोर पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, देन द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू देम आर, नॉन कोलिनियर क्या होता है, नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है जी आदित्य जी, कोलिनियर होता है बेटे, जो कोलिनियर मींस द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन ए बी सी डी, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन, एंड द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट कोलिनियर मींस दे डोंट लाई ऑन द सेम लाइन, एक लाइन पे नहीं है, अलग अलग है। सो वन मिनट, सो हाउ मेनी लाइंस वी कैन, how many lines, number of lines that can be drawn, who said six, six kisne kaha, kaise, 1 2 3 4 5 6 lines likha hai, line segment aana chahiye, the number of line segment, the number of lines that can be drawn through them, un point se पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है, फोर ए हो गया, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए, सिक्स सिक्स लाइन आर दी आंसर, ठीक है बेटा। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज, acute, obtuse, right, none. If one angle of the triangle is equal to the sum of the other two, obtuse में कैसे? तो right answer आएगा. If one angle of the triangle is equal to the sum of the other two, then the triangle is right angle triangle. Right angle of आइसोसेलेस तुमने बोला है, हम वो भी ठीक है, आइसोसेलेस ही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल, सारे हीरो हैं यहाँ, चलो how many degrees are there in an angle, likho, which equals 1/5 of its supplement,
देखती हूँ, ठीक है। वन फिफ्थ ऑफ इट सप्लीमेंट, नो 36 नहीं। एंगल इज एक्स, इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस एक्स। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स वन फिफ्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ये क्वेश्चन बनेगी। तो तुमने बनाई गलत है, नहीं बेटा गलती ना ना करो, क्वेश्चन को समझो। एक एंगल है, आपने वो बताना है वो एंगल कितना है, उसका सप्लीमेंट क्या है, मतलब 180 माइनस एक्स। इक्वेशन क्या बनती है, एंगल विच इक्वल वन फिफ्थ ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक मिनट, व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट टाइम यू आर नॉट टू स्पीक। नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 180 बाय 5 माइनस x बाय 5, दिस इज सो इजी, यू पीपल यूज्ड टू डू सच क्वेश्चन इन 7th क्लास। x प्लस x बाय 5 इज इक्वल टू, सो इट विल बी 6x बाय 5 अरे गलत है, फिर मैंने गलत किया, रुको देखने दो देखने दो देखने दो। 36 की कटिंग में, ठीक है 30, वन मिनट। तो बेटा आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इफ एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क अगेन। ये क्लियर होगी कैलकुलेशंस, ठीक है। ये देखो x बाय 5 उधर चला गया, x प्लस x बाय 5 इसकी कटिंग हो गई। बेटा आपने गलत किया ना, आपने गलत मेथड से 30 लग गया आपका, आ गया बिना एलसीएम के 30 कैसे आएगा, वो तुक्का है। किधर चला गया, अच्छा उधर चला गया, 5 उधर चला गया, ठीक है 5x is equal, वो भी ठीक। आप एलसीएम ना लो, आप यहां से करो, इधर देखो ये 1 by 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इधर ले जाओ 5x is equal to, ये ज्यादा इजी है। 6x is 180, x is, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, वो माइंड की क्लिक होने पे है कि कैसे आप एकदम से आपके माइंड में क्लिक होता है, ब्रैकेट खोलते हो या उधर ले जाते हो। फाइन, sum of the measure of an angle and its vertically opposite angle is always equal to the measure of, ek minute ruko, kya question hai ye, kuch aur hi keh raha hai ye, sum of the measure of an angle and its vertically opposite angle is always zero, thrice double the measure of the original angle, सम, हाँ सम है, सम है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एकदम से तो हम यही क्लिक करते हैं कि एक एंगल और उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल, बट उन्होंने फर्स्ट में लिखा है सम, सम ऑफ द एंगल एंड इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज, दोनों को ऐड करोगे सम मतलब टोटल करोगे तो डबल हो जाएगा ओरिजिनल एंगल से। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई ना, ये एंगल अगर 40 है बेटे तो ये भी 40, इन दोनों का सम कितना होगा 80, सो दिस 80 इज डबल द ओरिजिनल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट द सम ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज डबल द ओरिजिनल एंगल।
सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? घुमाया नहीं है, बस ध्यान से सुन, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करनी है, ठीक है? ये करो क्वेश्चन नंबर 8। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी मीट एट ओ। If angle B and angle C, if angle B is equal to angle C is equal to 50, अरे B और C इन्होंने दिया हुआ है 50, साथ में पता नहीं क्या लिखा हुआ है A degree, 50 A लिखा हुआ है, 50 A degree, what is the measure of angle O, ये निकालना है। इसको छोड़ो, ए को छोड़ो, 50 डिग्री करो, अब करो बेटा, आप करो, देखने का ए छोड़ दो, हाँ ये तो इजी हो गया ना, ये 25, ये 25, 180 माइनस 50 ये सीधा 130, दिस इज इजी। ए वो उसमें उन्होंने गलती से होगा होगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? वो जो एग्जांपल थी वो भी करवाऊंगी एग्जांपल। बेटा उसको छोड़ो, वो अलग क्वेश्चन है, उसमें नीचे को फिगर बन रही थी, आप ये वाले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसमें नहीं है क्योंकि हमें ये एंगल्स गिवन है, जिसमें नहीं गिवन होता उसमें यूज होता है वो, यहां ए का कोई मतलब नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है। थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, व्हाट आर द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, इसका आंसर मुझे आके आ बताओ, उसको बताने दे, वो भी पढ़ाई कर रही है, उसने भी स्कूल में फीस दी हुई है। ऐसे करोगे बेटा आप? ऐसे लेकिन करना नहीं है, क्यों तुम लोग रिस्क लेते हो अपने एक नंबर के साथ? तुमने पहले अपने माइंड में एक्स निकाला था, 9x 2 40 68, अगर फोकस के साथ कर रहे हो क्वेश्चन देन इट इज ओके, जल्दी जल्दी में नहीं करने बस, ठीक है? सो द आंसर 4 + 7 + 2 9x = 180, x कितना आ गया 20, तो मतलब ये 2x, ये 3x, ये 4x, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 40 60 एंड 80। एन एक्यूट एंगल इज, ये नहीं आएगा आपको, लेस देन 90, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन एल, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन एल, then they are lines intersect each other when extended parallel to each other. चलो कोई और साइड खोलते हैं, ये तो इजी है, ये तो नंबर रिजल्ट बताएगा, ये तो रिजल्ट बताएगा,
वन मिनट बेटा. चलो ये क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. इन ट्राइंगल बेटा प्लीज बी क्वाइट. इन ट्राइंगल ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी एंगल ए इज 50 एंड द मेजर एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी. एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब बाहर. दीज बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर है, मीट एट ओ. देन द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी वी हैव ए 50. अच्छा करेगी वंशिका, वन मिनट. See, in your book, we have the example number 8 on page number 106. ऐसे ही है, ठीक है? जिसमें हमारे पास क्या आता है? ऐसे ही क्वेश्चन दिया, यहाँ पर x दिया, यहाँ y दिया, यहाँ z दिया. We have to prove कि ये bisectors हैं. सुनो बेटा, इसका shortcut, ठीक है? यही figure है, उसमें दिया हुआ है कि ये bisectors हैं. They meet at O. And what is angle BOC? Angle BOC is 90 minus half of angle A. BAC means angle A. ये formula है. जब एक triangle के बाहर bisectors हो, सुन लो please ध्यान से, ठीक है? तो हमारे पास इस question का proof था, हमने ये proof करना था. Angle BOC is 90 minus half of angle A. तो हमने ये सारा मेथड लगाकर इसको प्रूव किया था. अब मान लो हमने एमसीक्यू में आंसर देना है, तो ए एंगल हमें गिवन है. सो एंगल बीओसी इज विल बी व्हाट, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए दैट इज 50, 90 माइनस 25, इसका आंसर क्या आएगा, 65 डिग्री. वो बेटा जैसे मान लो ये एंगल 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4. एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 50 इज 180. फिर एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 130 माइनस एंगल 4, ठीक है? एंड व्हाट विल बी एंगल 4? 130 माइनस एंगल 2. इसको यूज करके पूरा मेथड की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे. फिर एंगल 1 क्या है, 180 माइनस, ना ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. 180 माइनस 4, आपको क्यों करना है, ऐसे छोड़ो, क्यों करना है, पूरा मेथड यूज क्यों करना है, सॉल्व करना ना. ये क्वेश्चन आएगा ऐसे आउट ऑफ द वे, तो कोई क्वेश्चन नहीं ना आएगा बेटे. अंदर जो बाइसेक्टर्स है, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, वो तो सिंपल था, ठीक है? बाहर बाइसेक्टर्स बनते हैं और ये एंगल फाइंड करना है, तो सीधा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए. व्हाई टू गो इन डिटेल व्हेन यू आर नॉट टू सॉल्व फुल क्वेश्चन? कहोगे तो मैं करवा दूंगी, नो इशू इन दैट, बट व्हाई व्हाई टू वेस्ट द टाइम? लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. चलो ये क्वेश्चन करो, ये भी इजी है. फाइंड एक्स. कैसे किया?
Yes. Which property will be used here, which you have done in 8th class? That in any polygon, कोई भी polygon हो, triangle हो, quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon, nonagon, जितने मर्जी साइड का polygon हो, जो उसके बाहर वाले angles हैं, उन सब का sum क्या होता है? 360. अंदर वाले angles के लिए formula है. 8th में किए हुए हैं, वो formulas भी याद कर लेना वैसे तो. ठीक है, वो तो अभी याद नहीं होंगे मैम, क्या बात कर रहे हो आप, है ना. सो सम ऑफ द एक्सपीरियंस लीनियर पेयर करना ही नहीं है ना दिव्यांशी, करना नहीं है लीनियर पेयर से. ये निकालो फिर इसको एंगल वन लो, फिर एंगल वन निकालो, फिर एक्स निकालो. जिसको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, जिसने क्लासेस नहीं लगाई है, फिर वो वैसे ही करेगा. पहले ये निकाले फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाले, फिर लीनियर पेयर से एक्स करते रहो. But why don't we have to use the direct property that 110 plus 120 plus x is equal to 360. The sum of the exterior angles of a polygon is 360. X कितना आ जाएगा? 360 minus 230 सीधा x की value 130. ठीक है बेटे? नंबर हमें तो ऑप्शन से मतलब है युग, जो मर्जी रफ में करता जा. रफ में आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, हमें तो आंसर से मतलब है कि नहीं. हाँ भूल गए बेटा, कोई बात नहीं, आ जाए, आता रहेगा वो याद बीच बीच. हम भी भूल जाते हैं, तुम अकेले नहीं, वी आल्सो फॉरगेट सम टाइम. सुन लो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3. हाँ चुप रहो तुम. बाहर वाला एंगल है 80 एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3 मींस 1x एंड 3x. वी हैव टू फाइंड द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. ओके ओके फाइन, इट्स ओके बेटा, आपको मैं समझाती हूँ ना बाद में. हाँ बेटा, एकदम से आंसर नहीं बोलता और आ गया तो मैम मैम मैम. प्लीज वेट, लेट अदर्स आल्सो थिंक. जब आप ऐसे शोर में चाहते हो ऑल टुगेदर, वो होता है कि अच्छा सॉल्व हो गया, बच्चे कोशिश ही नहीं करते थे. वंस यू हैव सेड देयर मैम ओके आई विल कम टू यू. तो बेटा वी हैव द प्रॉपर्टी दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. ऑनलाइन वाले बच्चे भी बैठे हैं, जिसमें वीक बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं, उन्होंने भी पढ़ना है. ठीक है, 80 is equal to 4x, x कितना आ गया 20. So this is 20 and this is 60. जैसे आपको अभी करवाया था कि अगर बाइसेक्टर्स बाहर को हैं ऐसे, तो एंगल बीओसी विल बी व्हाट, 90 माइनस एंगल ए बाय 2. ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इन ट्रायंगल एबीसी दीज बाइसेक्टर्स मीट एट ओ, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल बीओसी. तो इसमें क्या होगा, एंगल बीओसी विल बी 90 प्लस A by 2. This you remember, learn कर लो. अगर एक ट्राइंगल में, isosceles ट्राइंगल में bisectors अंदर को हैं, तो BOC कितना होगा, 90 plus A by 2. अगर bisectors बाहर को हैं, तो 90 minus A by 2. ठीक है जी, all right students, so we will discontinue with the revision tomorrow. Okay, take care.